ठीक है तो ये एलन है जो कि एक किसी नोवेल से लिया गया है ये बच्चा जो है अब उस कहानी में मौजूद है मेन कैरेक्टर है एलन हैड बीन इन बेड फॉर आवर्स एलन जो है अपने बेड पर था कई घंटों से ही कुड नॉट गो टू स्लिप और वो सो नहीं सक, सक सका था कि वो सो नहीं पा रहा था ही वॉज सो एक्साइटेड बाई ऑल द डिफरेंट थिंग्स ही हैड सीन ऑल ही हैड सीन दैट डे वो क्या था बहुत पुरजोश था एक्साइट था कि जो चीज़ें उसने पूरा दिन देखी है उसे देख ठीक है बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड हो चुका था इस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी आउटसाइड स्लाइट ब्रीज पफ्ड लॉन्ग स्ट्रीमर्स ऑफ वाइट क्लाउड अक्रॉस द स्काई और उसके घर के बाहर जो है बहुत हल्की हवा चल रही थी काफ़ी ठीक है देर दूर दूर तक वो सब पूरा आसमान क्या था पूरा वाइट था दूर दराज तक पूरा आसमान जो है वाइट हो रहा था द सी इस्कार्सली स्टर्ड एंड ऑल वाज़ सो साइलेंट डेट ही कुड हियर द बेबी स्वेलोस चिपिंग स्लीपली स्लीपली इन दियर नेस्ट अबव हिज़ बेडरूम विंडो और जो समंदर था वो बमुश्किल से ही जो है इतना पुरसकून था कि उसमें लहर घुड़ सके स्टर हो सके वो पुरसकून समंदर था और इतनी खामोशी थी कि वो आराम से आवाज़ सुन सकता था उसके घर के विंडो के बाहर जो घोंसला था जहाँ पर परिंद जहाँ पर जो परिंदे के जो छोटे छोटे परिंदे थे वो चह रहे थे उनके स्वैलों की आवाज़ आ रही थी जैसे कि उनके गलों में से आवाज़ें आ रही थी बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही थी उसे ठीक है नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया ही सेटअप सडनली अचानक से वो क्या हुआ बैठ गया ही वॉज़ श्योर समबडी वॉज वॉकिंग अराउंड द रूम वो यकीन था उसे एलन को कि ज़रूर कमरे में कोई है जो चल रहा है कमरे के अंदर ही स्टेड इन टू द डार्कनेस फिर वो घूमने लगा अंधेरे में नो no वन कोई नहीं था वहाँ पर ही ले डाउन अगेन एंड लिसंट हार्ट वो दोबारा से लेट गया और फिर कोशिश करने लगा कि सुनने की गौर से सुनने लगा हुज़ डेड कौन है वहाँ पर ही कोल्ड वो चिल्लाया उसने पुकारा हिज हार्ट थम्पिंग उसका दिल जो है तेजी से ते धड़क रहा था इट वॉज नॉट हिज इमेजिनेशन वो उसका तस्वुर नहीं था तो कि वो सोच सके क्या हो रहा है कमरे में वंस मोर ही हैड हर्ड द स्लीथर ऑफ अ फूट ऑन द वुडन फ्लोर ठीक है यहाँ पर एक वर्ड है जैसे स्लीथर स्लीथर जैसे कि रगड़ रगड़ कर चलना रुक रुक कर पिसलना रगड़ने की आवाज़ के साथ इसके मायने तो एक बार फिर उसे आवाज़ सुनाई थी कि कोई रगड़ने की आवाज़ आई है कोई पिसलने की आवाज़ आई है जैसे कि लकड़ी के फ्लोर के ऊपर से किसी के पैरों के रगड़ने की आवाज़ आई ही वॉज़ ऑल द मोर फ्राइटन फ्राइटन कहते हैं खौफज़दा होना फिर वो मजीद क्या हो गया और ज़्यादा खौफज़दा हो गया बिकॉज इट वॉज लाइट इनफ फॉर हिम टू हैव सीन एनी इंटूडर क्योंकि उसे यकीन था कि कमरे में इतनी लाइट तो है कि वो देख सके किसी को कि कमरे में कोई मौजूद है या नहीं इंट्रूडर कहते हैं कोई अजनबी या कोई मुदाखलत करने वाला कि घर में कोई अजनबी तो नहीं आया तो इतनी लाइट थी काफ़ी लाइट थी के वो देख सके लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि कमरे में आवाज़ कहाँ से आ रही एंड हार्ड एज ही स्टेड और इतना ही था कि वो घूर सके इतना मुश्किल से कि वो घूर सके देख सके कि कोई नज़र आया उसे कमरे में ऑल ही कुड मेक आउट वर द नाउ फेमिलियर शेप्स ऑफ द फर्नीचर और जो है वो सब कुछ वो जो समझ रहा था देख रहा था अपने आसपास के उस सब उसका जो फर्नीचर था उसके घर का वो उसे बिल्कुल ठीक ठाक मालूम हो रहा था कि शेप्स भी ठीक हैं फर्नीचर की सब कुछ ठीक है कुछ गलत नहीं लग रहा था उसे ही वो थ्रोटल बाय फेयर ठीक है उसका जो गला था वो गला जो है भर गया था पूरा खौफ से जैसे उसका गला जो है दब रहा है पूरा गला फिल हो गया था उसका हिस् थोट्स वर आ मास ऑफ गोस्ट और उसके जहनों में क्या आने लगी सोच आने लगी कि यहाँ पर कोई बहुत सारे भूत आ चुके हैं या तो कमरे में या तो ऑफ द न्यूली डेड ग्रेट ग्रेंड फादर लाउस या तो सोचने लगा या तो कोई मेरा जो दादा का इंतकाल हुआ था वो, या तो उसका कोई भूत है ठीक है ला लाउस टेलेट नाम है उनका या तो ऑफ द मॉन्स्टर ऑफ वेकेसर्स विच हॉन्टेड द ओल्ड कुक्स स्टोरीज या तो कोई कोई मॉन्स्टर्स हैं जो कि हम वेकेसरस की कहानियाँ सुनते थे वेकेसर्स की कहानियाँ उनके मॉन्स्टर्स हैं जो कि हम कहानियाँ सुनते थे पुरानी कुक्स स्टोरीज की तो उनमें से कोई मॉन्स्टर्स हैं वेसर्स के हिज माउथ वॉश ड्राई उसका मुंह जो है वो खुश हो गया था ही स्वेलोड हार्ट ठीक है वो मुश्किल से ही वो अपने गले में से पानी उतार पा रहा था एंड ट्राई टू कन्विंस हिमसेल्फ दैट द नॉइस ही हर्ड वॉज द बीटिंग ऑफिस ओन हार्ट फिर वो अपने आप को कोशिश करता है कायल करने की कि जो आवाज़ उसे आ रही कमरे में कि उसके अपने दिल की आवाज़ें उसके अपने दिल के धड़कने की आवाज़ें अपने आप को कायल करने की कोशिश कर रहा था बट द साउंड वॉज सो क्लियर डेट ही वॉज सून फोर्स टू एडमिट दैट इट वॉज अ फुट स्टेप लेकिन आवाज़ इतनी वाजे थी इतनी साफ़ आवाज़ थी कि यकीन उसे हो गया ज़रूर कमरे में किसी के चलने की आवाज़ें आ रही हैं, फुट स्टेप की आवाज़ आ रही है हिज हैंड शुक एज ही स्विचड ऑन द लाइट एंड जम्प आउट ऑफ द बेड ठीक है उसने अपना हाथ झाड़ा जैसे ही उसने स्विच ऑन किया लाइट का तो वैसे ही उसने अपना हाथ झाड़ा और वो ठीक है जंप किया बेड के ऊपर से जैसे कि छलांग छलांग लगाने लगा ऐसा चौंक गया वो ठीक है आज तक हम यहीं एंड करते हैं इस लेक्चर को नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे टिल देन अल्लाह हाफिज़ टेक केयर